इसके तीन नियम हैं। पहला, जिनको संतान नहीं है वो नारियल लेके करें। दूसरा, जिनके घर में बीमारियां हैं वो गिरिराज जी को दूध अर्पण करें। दूध पुत्र धन धान की संपदा देने वाले हैं गिरिराज बाबा, बीमारियां भग जाते हैं। और कहते हैं राधे राधे भैया, राधे राधे, जय गिरिराज जी, कृष्ण गोपाल जी। तो प्रेम भैया, 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन और पुनीत अवसर है। जी जी जी। और हम देखते हैं कि हमारे ब्रज में लाखों श्रद्धालु आते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कोई भी भक्त अगर गिरिराज जी आ रहा है तो वो अपनी परिक्रमा कैसे शुरू करे? क्या बात, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कृष्ण गोपाल जी। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आगामी आने वाले हैं जी। और सबसे पहले कृष्ण गोपाल जी, मैं आपको भी आज से ही बधाई दे रहा हूँ गिरिराज जी की, जो कि गुरु पूर्णिमा की। कि गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पावन पर्व है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो भक्त अनवेग्य हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे दें और इसका क्या विधि विधान है जी, शास्त्रों में इसके विधि विधान बताए गए हैं। गिरिराज जी, सर्वप्रथम तो ये गिरिराज जी जो हैं हमारे ठाकुर जी के समस्त श्री अंग हैं जी। आप जो गिरिराज जी देखते हैं दानघाटी मंदिर, ये गिरिराज जी का धड़ है। हाँ जी। तो प्रथम दानघाटी पे पहुँचे जाए, हमारा एक भजन आता है, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, तो मानसी गंगा को स्नान। पहले भक्त बंधु जो अनवेग्य हैं वो गिरिराज जी में आते हैं, उनको पहले मानसी गंगा का स्नान करना चाहिए और चकलेश्वर पे जाके भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए। मानसी गंगा को स्नान, धरे मन चकलेश्वर को ध्यान, और दान घाटी पे दत्त को दान, और दूध और पुष्प भाव से गिरिराज जी को अर्पण करना चाहिए और दंडवत करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना चाहिए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, इस महामंत्र से जो भक्त बंधु परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में रास्ते में ही हमारे ब्रह्मनिष्ठ संत हुए गया प्रसाद जी, जहाँ भगवान माता पिता को लेके आए थे। एक बार माता यशोदा ने मन में कल्पना की कि बेटा, सभी पुत्रों का फर्ज होता है कि अपने माता पिता को चार धाम कराएं, तो मेरे गोविंद माता पिता को लेके रमन रेती में लेके आए थे और उनको प्यास लगी, तो मेरे गोविंद की लीला, तो भगवान जल लेने के लिए गए, तो उसी रमन रेती में एक कालो भबूड़ो आयो है। अच्छा। और कालो भबूड़ो आयो और बाने जो है काए, वह मिट्टी में लोट पोट भयो, मिट्टी में लोट पोट है गयो भैया। माता यशोदा डर गई कि बेटा पुत्र मेरी रक्षा करो, बेटा पुत्र मेरी रक्षा करो। मेरे गोविंद दौड़े दौड़े आए, तो क्या देखो, जो कालो भबूड़ो हतो वह मिट्टी में लोट पोट भयो और गोरो है के चलो गयो। भगवान आए इतने में, भगवान बोले, मैया क्या बात है बेटा, क्या बताऊँ, एक कालो सो भूत आयो बेटा, बहुत कालो हतो, लंबे लंबे दांत थे बाकी, और जब मिट्टी में लोट पोट भयो, भैया मिट्टी में लोट पोट भयो, तो बेटा वो तो गोरो है कि यहाँ से चलो गए, वो तो से डर गयो। बोले मैया हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पुष्कर जी जा रहे हैं, क्योंकि लोग तो पुष्कर जी में मैया पापा ने छोड़ गया हमें, और जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी दानव हैं, यह सब ब्रजभूमि में सबरे अपने पापा छोड़ जाएँ, ये गिरिराज बाबा सबके पापन में होते हैं। तो इसलिए जाने में अनजाने में जिन भक्तों के इस 84 लाख योनियों में मानव देह पाकर इस 84 अंगुल के शरीर में जो भी गलती से पाप लग जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा देने से वो पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और महाराज जी, 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है जी, जो दो भागों में है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जी जी जी। तो हमें सबसे पहले कौन सी परिक्रमा शुरू करनी चाहिए? पहले हमको दान घाटी पे भगवान कृष्ण को दान देके जी, दूध और फूल चढ़ा के वहीं से दंडवत करके, और सीधा हमको जटीपुर वाली आनोर वाली परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि आनोर जो है जी, आनोर की एक लीला है। कृष्ण गोपाल जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने जी, जी। आनोर की बहुत सुंदर लीला है। कहते हैं 1535 की बात है, शताब्दी की, उस समय एक हमारे शद्दू पांडे नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी एक बिटिया थी, जिन्होंने भगवान श्रीनाथ जी की 45 वर्ष सेवा की, 45 वर्ष सेवा की। जब वो गुड़िया नहीं जाती थी तो वो उनको आवाज़ लगाते थे, श्रीनाथ जी बाबा आनरो आनरो आनरो, मुझे भूख लग रही है आनरो, तो गांव का नाम पड़ गया आनोर।
तो वहाँ वो गिरिराज जी का ऐसी मान्यता है कि वो गिरिराज जी का जो है हस्त बोले जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद में वहाँ दंडवत करनी चाहिए। वहीं उससे ही करीब 50 मीटर आगे जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सात स्वरूपों के साथ में, सात स्वरूपों के कृष्ण गोपाल जी ऐसे करके नाम हैं, प्रथम है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, भूगर्भ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, अणु गोस्वामी, श्री हित हरबंस राय जी महाराज, और साथ में है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इन सातों ने सद्धू पांडे के यहाँ आए और उन्होंने सीना जी को प्रागट कराया था, जिसके अंदर सात छिद्र थे और एक गाय साहूकार की वहाँ नित्य प्रति ही दूध निकालती थी, और 5 वर्ष के बालक को भगवान ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उठाया और सीना जी के मंदिर के प्रागट कराया था। आज भी कृष्ण गोपाल जी ऐसे शास्त्रों में मान्यता है कि हमारे ब्रज से तीन निधि गई हैं, हमारे भगवान के स्वरूप गए हैं। क्योंकि तीन निधि का मतलब क्या है, एक भक्त था, बोले प्रभु मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, बोले भाई चला तो जाऊँगा पर रोज़ मुझे छोड़ना पड़ेगा तुझे, रोज़ यहीं आके सोऊँगा, रोज़ तेरे यहाँ सेवा करूँगा, तुमको दर्शन दूँगा, लाभान्वित करूँगा, परंतु मैं रोज़ यहीं आऊँगा। तो पहले हैं देव दमन जो नादवारी बिराजते हैं, जो रोज़ शाम को सीना जी के मंदिर सोने आते हैं। दूसरे हैं इंद्र दमन, वो इंद्र दमन उज्जैन बिराजते हैं, वो शाम को आते हैं द्वारकाधीश मंदिर मथुरा जी में यमुना जी के। अच्छा, और तीसरे हैं नाग दमन जो बड़ौदा बिराजते हैं, वो रोज़ आते हैं नितवन महाराज करने निकुंज लीला का। तो उसके बाद में वहाँ दंडवत करना चाहिए। उसके बाद में आता है पूछी का लोटा। तो पूछने के लोटा का ऐसा महात्म बताते हैं लोगों की, हम तो कान सुनी बातें कहते हैं। तो गोपाल नाम का ग्वाला था, भगवान बोले कि मामा कंस को मार के आ रहा हूँ, तू यहीं बैठ जा तो डर लगे तो, और मैं जब तक ना हूँ जब तक तू यहाँ से उठी हो मत। तो गोपाल नाम का ग्वाला बोलो भाई बैठो हतो वहाँ पे। तो उसको बैठे बैठे कई दिन है गए, तो वहाँ की ग्वालिन जो गांव की ब्रजवासिन रहती वो बोली बहन ये बहुत दिन आशे बैठो है, तू पूछ रही, तू पूछ रही, तो गांव को नाम पढ़ गो पूछ रही, पूछ रही। उसके बाद में जतिपुरा आता है, यहाँ गिरिराज जी का मुख बोला जाता है, और ऐसी मान्यता है शास्त्रों में विदित है कि गिरिराज बाबा वहाँ यति स्वरूप में रहते थे, संत स्वरूप में। तो यति स्वरूप का मतलब है संत स्वरूप में रहना, गिरिराज जी का मुख बोला जाता है। वहाँ जाके धान घाटी पे भगवान का भोग लगाते हैं, वो कहते हैं आलू की जलेबियों का देसी घी का भोग लगता है वहाँ, अभी भी वहाँ पे, वहाँ आज भी आलू की जलेबियों का प्रावधान है वहाँ, और कहते हैं भक्तों के सकल मनोरथ पूरे होते। उसके बाद में हमारी ये पूर्ण परिक्रमा होगी। वहीं जैसे ही आप गिरिराज जी का दर्शन करेंगे, वहाँ से जैसे ही निकलेंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जहान अजान। अच्छा, वहाँ आज भी भगवान, क्योंकि राधा रानी ने उनको स्वयं संबोधित किया था, राधा रानी ने स्वयं पूछा तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा है, तो एक वृक्ष बोला जानू, दूसरे से पूछा आपने देखा, बोले नहीं जानू, नाम पड़ा जहाँ अजान। आज भी वो परिक्रमा का 84 का पृथक प्रमाण देते हैं वो वृक्ष। उसके बाद में गिरिराज जी की आपकी कोसी है, चार कोसियाँ पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में दानघाटी मंदिर आ जाते हैं, उसमें ही फिर तुम्हारा आगे पड़ेगा राधा कुंड की परिक्रमा में चूतर टेका, वहाँ 2 मिनट के लिए बैठते हैं और अपने सकारात्मक कुलषित भावों को दूर करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। उसके बाद में आपकी राधा कृष्ण कुंड आता है, ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों में राधा कुंड का और कृष्ण कुंड में स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक की जो अवी अष्टमी आती है वहाँ पुत्रदा राधा कुंड श्याम कुंड है। उसके बाद में आपकी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में आपका कुसुम सरोवर आता है, कुसुम सरोवर का दर्शन करते हैं, कुसुम सरोवर पर राधा रानी और भगवान ने विहार किया था। उसके बाद में हमारी जो परिक्रमा आएगी वहाँ आता है हर गोकुल, भगवान के कान हैं, ऐसी मान्यता है कि कान वाले मंदिर पर जाके जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। उसके बाद में आपकी मानसी गंगा आएगी, भगवान श्री कृष्ण को जब गौ हत्या का श्राप लगा था कृष्ण गोपाल जी, तो भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, मन से जब मानसी गंगा को प्रकट किया तो उनको गौ हत्या का श्राप दूर हुआ और उसी में स्नान किया भगवान ने। देखिए शास्त्रों में विदित है कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान ने स्वयं भी माना कि भक्त गंगा में स्नान करने से हमारे कोट कोट जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, तो भगवान ने स्वयं अपने मन से गंगा को प्रकट किया है, इसलिए इस मन से गंगा का स्नान बोला जाता है। जो भक्त बंधु प्रथम बार गिरिराज जी में आए, पहले मन से गंगा को स्नान करें, चल आचमन स्नान नहीं कर पाए यथाशक्ति पान स्नान दर्शन करें,
और उसके बाद में सीधा हमारी परिक्रमा दानघाटी पे आके पूर्ण हो जाती है। बोले जय श्री राधे, जय गिरिराज। प्रभु, एक और मन में मेरे प्रश्न है जी, जब हम परिक्रमा करने आ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ जो बरतनी चाहिए परिक्रमा में कि हम तो कोई अपराध ना आ जाए? हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। हमको पहले तो अपने मन को एकाग्र करके परिक्रमा करना चाहिए। अच्छा, कभी भी परिक्रमा में थूकना नहीं चाहिए अनावश्यक समय पे। जहाँ देव तीर्थ हैं, देखो ऐसा है, ब्रजभूमि में कण कण में देवों का वास है, और हम जाने में भी हमसे अपराध ना हो जाए, कभी वृक्षों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ब्रह्मचर्य से परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जिनके घर में बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं तो उनको एक नारियल छोड़ के गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए, हाथ में नारियल लेके, दंडवत भैया हाथ में नारियल लेके जो परिक्रमा करते हैं उसके सकल मनोरथ पूरे होते हैं। इसमें अगर मियाँ बीवी हैं तो दोनों हाथ एक दूसरे का नहीं पकड़ें, राधा कृष्ण की ले शरण और गोवर्धन की देह शरण, ये महामंत्र है। इस महामंत्र से जो भी भक्त बंधु परिक्रमा करेंगे तो कहते हैं कि उनको कम से कम कोट कोट कहते हैं हवनों का यज्ञों का फल मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। राधा कृष्ण की ले शरण और गोवर्धन की देह शरण, हे प्रभु राधा कृष्ण के चरणों में हमारी कोट कोट प्रणाम, और अपने देह के द्वारा हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, आप हमारी परिक्रमा स्वीकार करना। क्योंकि आपने आन्योर गांव के पास में ही एक साक्षी गोपाल मंदिर है जो परिक्रमा का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं जी। तो वो जैसे हमारी पूजा है कर्मकांडी वैदिक जो पूजाएँ होती हैं, भगवान तो देखने नहीं आता, उस वैदिक पूजा का जो प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली होती है वो ज्योत भगवान होते हैं। ऐसी हमारी परिक्रमा का भी साक्षी है हमारा साक्षी गोपाल, स्वयं ठाकुर जो है मेरा गोविंद है। इसमें अनावश्यक थूकना नहीं चाहिए। जो भक्त बंधु गोविंद से कभी मांगे नहीं तो उनके सकल मनोरथ पूरे होते। पहली बात तो देखो ऐसा है, मांगने से कभी मिलना नहीं है, और ठाकुर जी ये नहीं कहते कष्ट सहो, परंतु जो भक्त बंधु इस ब्रजभूमि में आए भाव से तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिनको जीवन में मिला सत्संग है उनका हरि जी से जुड़ा संबंध है, और तेरे हृदय में राम नाम बंद है उसकी कट जाए 84 फंद है, और तेरे रोम रोम ओ तेरे रोम रोम बसे गोविंद है, उनके हरी घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ सूरा मीरा कबीरा ने गाया गुरु नानक ने गोविंद को पाया। तो यहाँ तो अगर गोविंद को पाना है तो जिनको सत्संग मिला हुआ है तो वो भाव से परिक्रमा दें, और जिनकी कोई मनोकामना है वो नारियल लेके परिक्रमा दें, और जिनके घर में बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं वो दूध का अभिषेक करेंगे राज बाबा का। दूध को नहीं फैलाएं, दूध का भोग लगाएं, ब्रजवासियों को पिला दें, गरीब संतों को पिला दें। इसके तीन नियम हैं। पहला, जिनको संतान नहीं है वो नारियल लेके करें। दूसरा, जिनके घर में बीमारियां हैं वो गिरिराज जी को दूध अर्पण करें। दूध पुत्र धन धान की संपदा देने वाले हैं गिरिराज बाबा, बीमारियाँ भग जाते हैं। और कहते हैं जिनको धन का अभाव है वो केवल गिरिराज जी के सच्चे मन से तीन परिक्रमा दे ले, उसके सकल मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तीन परिक्रमा एक साथ देनी पड़ती हैं, नहीं थूकना पड़ता है। पानी पियो पहले पी के, फिर पानी पियो तो परिक्रमा चालू करने से पहले, बीच में कुछ नहीं पीना, बड़ा नियम है इसका। और सबसे बड़ा है एकाग्र मन। नाम वशाम वैकुंठम योगी नाम हृदय नचा मदभक्ता यत्र गायते तत्ष्ठा मीनारदेव, भगवान ने भी बोला। नहीं मंदिरों में रहता, नहीं वैकुंठ में रहता, के हे देव ऋषि नारद मैं तो वहाँ रहता हूँ जो सच्चे मन से एकाग्र मन से मेरा भजन करे। हर व्यापक सर्वत्र क्षमाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। और कृष्ण गोपाल जी यही कहूँगा, गिरिराज जी दयालु हैं, गिरिराज दयालु है, गिरिराज दयालु है, एक बार आके तो देख गिरिराज जी के चरणों में। जो गिरिराज जी के चरणों में भाव से आ जा, भगवान मांग तो थोड़ी है। सभी भक्तों से यही कहूँगा, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेम भैया और हमारे कृष्ण गोपाल जी की तरफ से। तो सभी भक्तों से कहूँगा जब गिरिराज जी में आएँ और अपने जीवन को लाभान्वित करें। और ये हमारे कृष्ण गोपाल जी भैया हैं, जो भक्त बंधु मुझे पहचानते हैं प्रेम भैया को, देश विदेशों में, मुंबई महाराष्ट्र एमपी में, सभी हमारे भैया के चैनल को लाइक करना और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना। ये ब्रजवासी ब्राह्मण है एक छोटा सा,
और आज ये मेरे सानिध्य में आया है, तो गिरिराज बाबा इस पर भी पूरी पूरी कृपा करें। जय गिरिराज, सभी को राधे राधे। इतना आनंद आया आपकी बातों को सुनकर, इतनी जो सुंदर कथा विस्तृत जानकारी दी, हमारे जो दर्शक हैं उनको तो लाभ प्राप्त होगा, सच बताएं तो हमें भी बहुत आनंद आया, बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि आप इसी तरह से सेवा ब्रजवासियों की करते रहें और जो देशवासी सबकी करते हैं। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। और सभी भैया को हमारे को खूब खूब आशीर्वाद दें, प्रेम दें, सभी भक्तों को जो मेरे भक्त हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, महाराष्ट्र, MP, नागपुर, इंदौर, महाराष्ट्र में जहाँ भी हैं, मेरे लोकल में भी बहुत भक्त हैं जो आना चाहें, भैया को बहुत बहुत चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको बहुत बहुत प्रेम दें। और मैं यही कहूँगा, अब मेरी जो है जुलाई में अधिक मास में ब्रज 84 यात्रा है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझसे जुड़ना चाहें वो भैया के चैनल से जुड़ जाएँ। मेरा नंबर है, भैया दे देंगे आपको, 8077750721। जय गिरिराज धरण की जय। सभी को बहुत बहुत आभार।